मनबंदों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आंदोलन करेंगे और आंदोलन इतना भयावह होगा पूरा देश और दुनिया देखेगा। हत्या 100% हत्या है, साजिश के तहत हत्या किया गया है। हत्या सर, ये हत्या है, ये 100% हत्या है। भागलपुर करनी सेना के द्वारा जो है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है यहाँ पे करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंद सेना करनी सेना के बैनर तले। हम लोगों का पूरा पूरा मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या किया गया है, ये हत्या 2 महीना हो गया और अभी तक इस हत्या में एक FIR लॉन्च नहीं हो पाया है। आखिर किस वजह से महाराष्ट्र सरकार आखिर किस दिशा में जा रही है? मुंबई पुलिस जो नाम जाना जाता था मुंबई पुलिस काम के लिए, वो मुंबई पुलिस आज नपुंसक बन के क्यों बैठी हुई है? 2 महीने में किसी भी प्रकार का जाँच नहीं कर पाया। हमारा बिहार पुलिस गया, उसे जाँच नहीं करने दिया। इसलिए हम सारे लोगों का, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस परिवार और आज सारा करनी सेना पूरा हिंदुस्तान में, हम सारे लोगों का पुरजोर मांग है कि CBI जांच का अविलंब दिया जाए, परमिशन दिया जाए। CBI जांच का मांग कर रहे हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत का जो है ये आत्महत्या और हत्या पर लेकर असमंजस बरकरार है, लेकिन करनी सेना को क्या लगता है? करनी सेना इस चीज़ का स्पष्ट तरीके से अभी तो कोई हमारे हाथ पुख्ता सबूत नहीं लगा है, लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी इकट्ठा हुआ उस आधार पर हम ठोस कदम उठाते हुए कह सकते हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत हम लोग के पारिवारिक सदस्य भी थे। हम करनी सेना के बहुत से लोग हमारे परिवार से बिलोंग करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के, और उन सारे लोगों से जो हमारी बात हुई है उन सारे बातों के हिसाब से स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। और हत्या नहीं, ये फुल प्लान्ड हत्या है। इसको पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल में बांट के बना के कहानी को फिर हत्या को आत्महत्या करार दिया गया है। अगर यह हत्या होता तो 8 से 10 मिनट के अंदर पुलिस के आने के पहले कोई और ताला खोल के अगर फांसी में लटका तो सबको क्यों उतार दे रहा है? उसके गले में जो फंदा दिख रहा है वो फांसी का फंदा नहीं है। फांसी का फंदा दुनिया देखी हुई है कि किस तरह का फांसी का फंदा होता है, वो साफ दिख रहा है किसी और चीज़ का फंदा है। इस तरह के बहुत से सबूत ऐसे हैं जो स्पष्ट तरीके से इशारा करती है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकता, नहीं है, हो नहीं सकता, ये नहीं है। करनी सेना स्पष्ट तरीके से कहती है कि ये हत्या है और हत्या है। जांच की जो दिशा है क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। जांच की दिशा, जांच हो ही नहीं रहा, जांच का कोई दिशा ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार का इसमें पर्सनल लस्ट है, महाराष्ट्र सरकार की इसमें संलिप्तता कही जा सकती है। कहीं ना कहीं उनके किसी अपने का होने का डर है, जिसके वजह से कि आज तक किसी भी प्रकार का जांच नहीं होने दिया गया है। आज CBI जांच का मांग किया जा रहा था, जो रिया चक्रवर्ती सस्पेक्टेड है वो पहले CBI जांच की मांग कर रही थी, और आज जब CBI जांच का दिया जा रहा परमिशन तो वो क्यों भाग रही है इस चीज़ से? आज पूरा महाराष्ट्र सरकार को अगर डर नहीं है तो क्यों नहीं परमिशन दे रही है CBI को जाँच करने के लिए? क्यों नहीं एक FIR लॉन्च करवा पाई है? राज्य की जो सरकार है क्या इंसाफ दिलाने के लिए आगे आ गई है? महाराष्ट्र सरकार तो बिल्कुल नहीं, बिहार सरकार इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वो बिहार का बेटा था। तो हम सारे लोग बिहार सरकार से भी मांग किए थे और हम लोग दिए भी थे चिट्ठी पटना में बिहार सरकार को भी, तो नीतीश कुमार के कहने पे यहाँ से पुलिस पदाधिकारी भेजे भी गए थे, जिसे कि महाराष्ट्र सरकार के तरफ से, महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के तरफ से किसी तरह का कॉपरेट नहीं किया गया, जहाँ तक वह उन्हें परेशान करके वापस भेज दिया गया। और अभी राज्य सरकार उसमें किसी भी तरह का जाँच नहीं कर रही है, ना ही किसी तरह का इंटरेस्ट ले रही है। चाहते क्या हम लोग? यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अविलंब CBI जांच का गठन किया जाए, CBI को FIR लॉन्च करके जांच करने का पूरा परमिशन दिया जाए, नहीं तो करनी सेना सिर्फ बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में इससे उग्र आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करेगी। तभी जो है करनी सेना के सदस्य हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार इनकी मांग क्या। करनी सेना के सदस्य हैं, हत्या या आत्महत्या? ये हत्या है। हत्या या आत्महत्या? हत्या 100% हत्या है। सरकार किसे एक मांग? CBI जांच की मांग होनी कर रहे हैं हम लोग। वर्तमान की जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। हत्या या आत्महत्या? हत्या है सर, और ये CBI से भी नहीं होगी, NIC का से इसका जांच कराया जाए। CBI भी क्या जांच करती है पूरे भारत को पता है, इसीलिए बाद में ये सत्ता और उसमें एक तालमेल हो जाएगा और शिवसेना और BJP बाद में की राजनीति देख रही है, इसीलिए इसको NIA से इसकी जाँच कराई जाए। और धन्यवाद।
हत्या या आत्महत्या, इसको हत्या नहीं कहा जाए, इसको एक प्लान मर्डर कहा जाए, ठीक है। ये एक साजिश के तहत इन्हें प्लान मर्डर कर किया गया है, और पुलिस को आने से पहले किसी को बुला के इनका ताला तोड़वा के और उनके एक भी परिवार के उपस्थित अनुपस्थिति में उनका शव निकाला गया। हम न्यूज़ देख रहे थे, एक दीपेश कुमार का शख्स जो था, उन्होंने एक काला बैग लेके उस शुरू से उस सबूत को मिटाने में लगा है, और हम मुंबई सरकार को ये आह्वान करते हैं कि अगर अभिलंब सीबीआई जांच का आदेश नहीं होता है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और आंदोलन इतना भयावह होगा पूरा देश और दुनिया देखेगा। धन्यवाद। लगता तो हत्या ही है, क्योंकि हत्या अगर नहीं रहता और महाराष्ट्र सरकार का मन में अगर खोट नहीं रहता तो वो पहला दिन से उसी समय से वो आत्महत्या का केस मान करके क्यों चल रही है, वो आज तक रजिस्टर FIR रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। और दूसरा बात, वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के कुछ मुट्ठी भर लोग जो पैसे वाले हैं, पहुँच वाले हैं, उनके कहने में वहाँ की पुलिस छानबीन कर रही है और इसको आत्महत्या का केस बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। सर, हत्या या आत्महत्या? हत्या है सर। किस आधार पर कह सकते हैं? सर, एक हफ्ता पहले सर उनके सेक्रेटरी को नंगे छत से फेंक दिया गया, जो कि वो उनका भी बोला गया कि वो आत्महत्या की है, जो कि वो भी हत्या था। और अभी देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती कब सही दिशा में जा रही है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं जा रही है। हत्या या आत्महत्या, ये खुलेआम मतलब ये जो है ना एक साजिश के तहत हत्या किया गया है, जिसमें कि मुंबई सरकार की इसमें संलिप्तता 100% है। अगर मुंबई पुलिस अगर जाँच कर रही है तो महाराष्ट्र सरकार उस पर दबाव डालवा कर उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हत्या या आत्महत्या? ये हत्या है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस सरकार कहीं ना कहीं पैसा खाएगी इस हत्या या आत्महत्या। ये 100% हत्या है, और सबसे पहले सुशांत भाई राजपूत को विनम्र श्रद्धांजलि। और ये जीत की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, करनी सेना आवाज़ उठाते रहेगी। जय हिंद, जय भारत। हत्या या आत्महत्या? 100% हत्या है, क्योंकि यहाँ पे आपका शिवसेना हो गया, बॉलीवुड हो गया, सारे माफिया एक साथ मिले हुए हैं, और इसमें प्लान मर्डर के साथ सुशांत भाई को हम लोगों के बीच नहीं रहने दिया। मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।